मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर टीचर दीप्ति मैम फ्रॉम MLP ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पीजन। पीजन मीन्स कबूतर। आपको मैं इस पेपर आर्ट से एक पीजन बनाना सिखाऊंगी। एक ड्राइंग की शीट है हमारी, जिसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हम ये देखेंगे, मैंने ड्राइंग शीट फोल्ड कर दी है। अब आपको क्या वर्क करना है, जो पीजन का, ये देखेंगे मैं आपको इस तरीके का पीजन बनाना सिखाएंगे। देखेंगे आप, तो जब मैं इस चीज़ के लिए, जब पीछे का पंख और आगे का इसका सही बॉडी बनाएंगे, इस बॉडी स्ट्रक्चर, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखेंगे आप कितना सुंदर लग रहा है ये पीजन। आप चाहो तो इसे कलरफुल पेपर से भी बना सकते हो। कलरफुल पेपर से बनाओगे तो ये और भी क्यूट लगेगा। तो मैं ये क्या करूँगी, पीछे के विंग्स के लिए, इसके लिए मैं इक्वल पार्ट्स विंग्स और इक्वल पार्ट्स ऑफ बॉडी लूँगी। जितना मैं विंग्स के लिए पार्ट्स लूँगी, उतना ही मैं बॉडी के लिए पार्ट्स लूँगी। तो आप ये देखेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ से इक्वल पार्ट्स लिया है, इस तरीके से यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ये देखेंगे आप। और इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फेस बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ सर्किल निकाल करके, और आप इसको डॉटेड में साइन करेंगे, ये देखेंगे आप, इस तरीके से डॉट लगाएंगे। आप चाहो तो इसके लिए पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। और ये इसके लिए चोंच बनाएंगे, मतलब बीक। और ये देखेंगे आप इस तरीके से, इसका बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे आप। हाफ पीजन बनाएंगे। हाफ पीजन इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसके लिए जो, अगर आप फोल्ड कर रखा है पेपर, तो दूसरी साइड पे इसका सेकंड पीजन बन जाएगा, और बॉडी को पार्ट्स इस तरीके से ये देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, इस तरीके से इसको, या फिर यहाँ से करेंगे थोड़े पार्ट से, ये देखेंगे यहाँ से, और ये देखेंगे इसका जो विंग्स बनाऊंगे मैं नीचे से, ये मैं इस तरीके से लूँगी ट्रायंगल शेप में। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, कैंची से इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने साइन किया था, मैंने इस पीजन को इस तरीके से कटिंग कर लिया, और फिर इसके इस तरीके से फर में बीच बीच में कट लगाया मैंने, ये देखेंगे आप, और उसको हल्की सी राउंड शेप दी है। आ रहा बच्चों समझ में? अब आप जब इसे ओपन करके देखेंगे तो देखेंगे इस तरीके से लग रहा है। आप क्या करेंगे, ये जो इसकी बैक साइड है, इसमें आप छोटे से कट लगाएंगे इस तरीके से। देखेंगे, मैं आपको पेन से साइन कर दे रही हूँ। आप स्टार्टिंग यहाँ से नहीं कट लगाएंगे, कट लगाएंगे आप थोड़ा सा गैप छोड़ के इस तरीके से, और इसको यहाँ छोड़ देंगे। पूरा कट नहीं लगाएंगे, केवल इधर से, बस केवल इतना आर्क शेप में कट लगाएंगे बस। ये देखेंगे, मैंने ये इसको टच ही रहने दिया है, इससे केवल बीच में से ये कट लगाया है इस तरीके से, क्योंकि इधर से ये जो ऊपर वाले विंग्स हैं ये डाले जाएंगे। अब आप इस पीजन को इस तरीके से, ये देखेंगे आप, और आप इसको सीज़र की हेल्प से इन फर को इस तरीके से, जब आप सीज़र से इस तरीके से इनको खींचेंगे तो ये इस तरीके से, जब आप इस सीज़र को इस तरीके से घुमाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे अपने आप। ये देखेंगे किस तरीके से ये फोल्ड हो गए अपने आप ही। अब आप क्या करोगे कि इसके लिए दूसरे जो ऊपर के विंग्स हैं वो कट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस पर आप इस तरीके से साइन लगाएंगे। इधर से लगा सकते हैं वो आप, इसी से जो बचा हुआ आपका पेपर है उस पर से आप साइन लगाएंगे। ये जो आपकी यही डिज़ाइन हो रही है इस पर, तो इस तरीके से करने के बाद ये देखेंगे आप इस तरीके से लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से इनको कट कर देंगे। ये देखेंगे कट हो गया। आप सीज़र की हेल्प से अब क्या करेंगे, इसमें विंग्स के लिए इस तरीके से यहाँ तक कट का साइन लगाएंगे आप। ये देखेंगे मैंने इस तरीके से कट का साइन लगाया है। अब इन सभी को क्या करेंगे, आप इधर की साइड से ये जो ऊपर निकाले हैं, मैं इनको राउंड शेप दूंगी इस तरीके से कैंची से। इसके जो कॉर्नर हैं इनको कटिंग करके इनको मैं राउंड शेप दूंगी। ये देखेंगे मैं राउंड शेप दे दिया। अब ये क्या आएंगे, ये विंग्स आप इस तरीके से पीजन के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये देखेंगे ऊपर के इसके विंग्स बन गए, और आप सीजर की हेल्प से इनको भी फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से आपने इधर जो लास्ट के विंग्स थे इनको फोल्ड किया। ये देखेंगे अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये जो इसकी बीक वाली साइड है, केवल ओनली फेस पे फेविकोल लगा करके इसको टच करूँगी, और उसके बाद ये जो मैंने विंग्स इसके अंदर फंसाए हैं नीचे की साइड, देखेंगे आप, इनको आपस में इस तरीके से फेविकोल से
ज्वाइंट कर दूंगी इन दोनों को आपस में। ये जो इसकी बॉडी पार्ट्स है इसको मैं ज्वाइंट नहीं करूंगी, केवल फेस को ज्वाइंट करूंगी। और आप देखेंगे किस तरीके से ये इस तरीके से जब हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पीजन के यहाँ पर बनाएंगे आप आइज़ एक, और इस बीक को चाहो तो आप रेड भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। किसी भी ब्लैक कलर से या मार्कर से आप इस तरीके की इसकी आइज़ बनाएंगे। आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने इसकी आइज़ बना दी है, और अब आपका ये पीजन और ये रेडी है। आप देखेंगे इसको, आप चाहते हो इनके पैर भी बना सकते हो, और काफ़ी तरीके से बना करके इसका विंड चैन वगैरह भी बना सकते हो। इसके फर देखेंगे आप, ये देखेंगे आप इस तरीके से। और जितना आप हार्ड पेपर लेंगे, आप इसकी कटिंग में दिक्कत आएगी, पर लेकिन जितना आप हार्ड पेपर लेंगे ये जो फिंग्स हैं इसके ये उतने ही अच्छे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, और कलरफुल पेपर से अलग अलग कलर के आप पीजन्स वगैरह बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।